of class first. Today I am going to teach you GK. Chapter number 1 we have done in the previous video. I hope you all have done your work. Now coming to chapter number 2, my family, yani mera parivar. Here what you have to do, paste a photograph of your family. यहाँ पर आपको अपने फैमिली की फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेस, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस. माय फादर्स नेम इज, हियर यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम. यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम लिखना है. माय मदर्स नेम इज, हियर राइट डाउन योर मदर्स नेम. आपको अपने मम्मी का नेम लिखना है. Do you have any brothers or sisters? If yes, write their names below. क्या आपके पास भाई या आपकी बहन है? अगर है तो यहाँ पर अपने भाई का नाम लिखिए और यहाँ पर my sister's name is, यहाँ पर अपनी बहन का नाम लिखिए. Okay? Now, your father's parents and your mother's parents are your grandparents. आपके पापा के माँ बाप या आपके मम्मी के माँ बाप आपके क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. यानी अगर फादर के माँ बाप हैं तो हम उनको दादा दादी कहते हैं, अगर मम्मी के हैं तो हम नाना नानी कहते हैं. अब आपको ये बताना है, व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कहते हैं? राइट, फादर्स पेरेंट्स. यहाँ पर आपको बताना है कि फादर के पेरेंट्स को आप क्या कहते हैं. मीन्स अपने दादा दादी को अगर आप किसी और नाम से भी बुलाते हैं तो यहाँ पर आप उनका वो नेम लिखिए, और मदर पेरेंट्स को आप क्या कहते हैं वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे. डू यू हैव पेट्स? इफ येस देन राइट योर पेट्स नेम एंड वॉट क्रिएचर इट इज. इफ यू डू नॉट हैव अ पेट, नो प्रॉब्लम, लीव इट ब्लैंक. अगर आपके पास पेट है यानी कोई पालतू जानवर अगर आपने रखा हुआ है तो उसका नाम आपको लिखना है और आपको बताना है कि वो क्या है. अगर आपके पास पेट एनिमल्स नहीं है तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए. अगर कोई एनिमल है जैसे कि कोई बहुत से लोग कैट रखते हैं, रैट, पैरट, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद आप बताएं कि वो क्रिएचर क्या है, सॉरी उसका नाम क्या है पेट का और वो क्रिएचर क्या है. ओके, पहले आपको पेट का नेम लिखना है और फिर बताना है कि वो पेट क्या है. मीन्स कैट है, पैरट है, रैट है, रैबिट है, क्या है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ कम टू चैप्टर नंबर 3, फाइंड मी. नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन. डोरेमोन की हेल्प से आपको यहाँ पे, ये आपका डोरेमोन है, यहाँ पे आपके एनिमल्स नेम दिए हुए हैं. आपको यहाँ से ही एनिमल्स को ढूंढ कर इसमें फिल करना है. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, आई एम द किंग ऑफ द जंगल. मैं जंगल का राजा हूँ. मैं कौन हूँ? ऑब्वियस, लायन, LION, लायन. आई एम अ फेथफुल एनिमल. आई ऑलवेज ओबे माई मास्टर इंस्ट्रक्शन. मैं एक फेथफुल एनिमल हूँ. मैं हमेशा अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को मानता हूँ. मैं कौन हूँ? ऑब्वियसली डॉग, DOG, डॉग. देन आई एम अ स्मॉल जेंटल एनिमल. आई ईट ग्रास एंड कैरेट्स. मैं एक छोटा सा जानवर हूँ. मैं ग्रास और कैरेट खाता हूँ. मैं कौन हूँ? रैबिट, RABBIT, रैबिट. ओके, देन आई एम अ फ्रिस्की एंड नॉटी एनिमल. आई लव टू ईट बनानास. मैं फ्रिस्की और नॉटी एनिमल हूँ. मुझे बनाना खाना पसंद है. मैं कौन हूँ? ऑब्वियसली मंकी, MONKY, मंकी. देन आई एम अ बिग ग्रे एनिमल. यू मे ऑल्सो सी मी एट द सर्कस. मैं एक बड़ा सा ग्रे एनिमल हूँ. आप मुझे सर्कस में भी देखते हैं. मैं कौन हूँ? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट. नोज बेस्ट, द हैवीएस्ट एंड द बिगेस्ट एनिमल.
वाला जानवर जो है वो है ब्लू व्हेल। ओके, नाउ टर्न द पेज, चैप्टर नंबर 4, द लिटिल वंस। लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द मदर्स ऑफ द बेबीज। ईच मदर हैज अ नंबर। इन द सर्कल्स नियर द बेबीज राइट द मैचिंग नंबर ऑफ इट्स मदर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको। ईच मदर हैज अ नंबर, सब मदर के पास नंबर है। ओके, इन द सर्कल्स नियर द बेबीज राइट द मैचिंग नंबर ऑफ इट्स मदर। और जहाँ पर उनके बेबीज दिए हुए हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे सर्कल्स दिए हुए हैं, आपको वहाँ पर उनके नंबर्स लिखने हैं कि वो किस उनकी मदर कौन है। Instead of doing here, we can do it here. Now write what each baby is called next to its number. Number one, see here. यहाँ पर number one दिया हुआ है। इसमें देखिए number one क्या है? Cow. Okay. तो cow, cow का baby कौन है? Calf. यहाँ पर दिया है ना number one? Calf. Write down here. C A L F. Baby of cow. नंबर टू, लुक हियर नंबर टू, ये शीप, बेबी ऑफ शीप यहाँ पर है, बेबी ऑफ शीप लैम, एल ए एम बी लैम, एल ए एम बी लैम। देन नंबर थ्री, सी सी कैट, यहाँ पर कैट है, कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं? हियर यहाँ पर देखिए कैट की बेबी है किटन, we call it kitten, k i double t e n, kitten. Then number 4, hen. What we call baby of hen? Hen ki baby ko kya bolte hain? Chicken. Chicken, c h i c k e n, chicken. Then number 5, हॉर्स, बेबी ऑफ हॉर्स, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? फाइव, यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है, यहाँ पर है नंबर फाइव, ये बेबी हॉर्स है, बेबी हॉर्स को क्या बोलते हैं? कोल्ड, वी कॉल इट कोल्ड, सी ओ एल टी कोल्ड। नंबर 6, लाइन, बेबी ऑफ लाइन कब, सी यू बी कब। ओके, नंबर 7, नाउ डियर, नंबर 7 डियर, एंड बेबी डियर व्हाट वी कॉल टू बेबी डियर, हियर इट इज हियर बेबी डियर फॉन, एफ ए डब्ल्यू एन फॉन। एंड नंबर 8, गोट, बेबी ऑफ गोट किड, के आई डी किड। ओके, नाउ अमेजिंग बर्ड्स, नेम द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन। यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनके नेम्स लिखने हैं। दिस बर्ड कम्स आउट इन द नाइट, इट कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यूरिंग द डे। ये चिड़िया रात में निकलती है क्योंकि दिन में इसे दिखाई नहीं देता। ये कौन सी बर्ड है? आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। दिस इज आवर नेशनल बर्ड, इट डांसेज व्हेन इट रेन्स। ये हमारी नेशनल बर्ड है, यानी राष्ट्रीय पक्षी है, जब बारिश होती है तभी डांस करती है। कौन है ये? पीकॉक, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक। यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके डोरेमोन में दिए हुए हैं, आउल, कीवी, पीकॉक, पैरट, पेंगुइन, ईगल। ओके, आप यहाँ से भी स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। दिस इज अ बिग बर्ड, इट कैन फ्लाई वेरी हाई, इट हैज अ लार्ज पावरफुल बीक। ये एक बड़ी चिड़िया है, ये बहुत ऊंचा हो सकती है, इसके लार्ज पावरफुल बीक है, इसकी जो चोंच है ये बड़ी और बहुत ही पावरफुल है। विच बर्ड इज दिस? ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल। दिस बर्ड कैन वॉक बट कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड वॉक कर सकती है यानी चल सकती है बट उड़ नहीं सकती। विच बर्ड इट इज? कीवी, के आई डब्ल्यू आई, कीवी। दिस बर्ड लिव्स ऑन लैंड एंड इन वॉटर।
लैंड और वाटर में भी रहती है, आइसी एरियाज में। ये बहुत ही अच्छी स्विमर है। विच वर्ड इज दिस? पेंगुइन, PEN, पेन GUIN, विन, पेंगुइन। इट इज ग्रीन इन कलर, इट लव्स टू ईट ग्रीन चिलीज, इट कैन टॉक लाइक यू। ये ग्रीन कलर की बर्ड है, इसे चिली यानी